देश भर में लाखों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं और काफी लोगों को ट्रेन से सफर करना बेहद पसंद होता है क्योंकि ट्रेन में सफर करना बहुत ही किफायती और सुविधाजनक होता है। और साथ ही आपको बता दें कि इंडियन रेलवे एशिया में सबसे बड़ा और पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इंडिया में हर दिन 12,617 पैसेंजर ट्रेन्स और 7,349 माल गाड़ियां चलती हैं। लेकिन दोस्तों, आपने सफर के दौरान ट्रेन के कोच के अलग अलग कलर को नोटिस किया होगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ट्रेन के कोच के अलग अलग कलर होने का क्या कारण होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आमतौर पर इंडिया में पैसेंजर ट्रेन के कोचेस के कलर चार होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन। ट्रेन के कोचेस अलग रंग के होने का अहम कारण होता है। आपने ज्यादातर ट्रेन के कोचेस ब्लू कलर के देखे होंगे जो शो करता है कि ब्लू कोचेस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की कोच होती है, जिसे शॉर्ट में ICF भी कहते हैं। ICF कोच का यूज इंडिया में ज्यादातर मेन लाइन ट्रेन्स में किया जाता है। ऐसे कोचेस एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन में लगाए जाते हैं। रेड कलर के कोचेस को लिंक हॉफमैन बुश कहा जाता है क्योंकि पहले इन कोचेस का निर्माण इसी कंपनी के द्वारा किया गया था। इन कोचेस का यूज राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेन्स में किया जाता है। ग्रीन कोचेस आपको अक्सर गरीब रथ जैसी ट्रेन्स में देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि पहले नैरो गेज पटरियां पे चलने वाली ट्रेन्स में ग्रीन कोचेस का यूज किया जाता था। हालांकि भारत में लगभग अब सभी रूट्स पर नैरो गेज को बंद कर दिया गया। ब्राउन कलर के कोचेस को लंबे सफरों के लिए ज्यादातर कंफर्टेबल होते हैं, इसीलिए इस कोचेस को मीटर गेज ट्रेन्स में यूज किया जाता है। इस कोचेस में आपको कुछ ऐसी स्पेशलिटी देखने को मिलती है जो दूसरे कोचेस में आपको नहीं देखने को मिलेगी, जैसे कि ज्यादा जगह, कंफर्टेबल सीट्स। सीधे सीधे कहूँ तो सफर करने वालों को प्रोवाइड करने वाली सारी सुविधाएं दी जाती है जिससे वो आसानी से लंबा सफर अच्छे से तय कर सके। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।